ऊंचा पैजामा बोल। हाँ ऊंचा पैजामा बोल ले रहा, कहाँ कह रहा था? हाँ कौन भाई? भाई अभी नंबर से अभी मेरे पास कॉल किया है। नहीं आपका नाम? मेरा नाम तो वसीम मदारी है, वो बोल रहा था बंदर कहाँ आएगा उसको बुलाओ। अच्छा मदारी बोल लो, बंदर कहाँ है भाई? आपको यही जानना था? हाँ बंदर कहाँ है तुम्हारे अपा? मेरे भाई मुझे ये जानना था कि जो ये सब मतलब जो गाना ना गाते हैं आप लोग कि दम मदार बेड़ा पार, दम मदार बेड़ा पार, तो मदारी है आप, तो आपका बंदर कहाँ है? तो वही तो हम कहे तुम्हारे अपा ने कहा तुमको बताया नहीं तो इनका बंदर कहाँ है? तो ये सब है क्या मेरे भाई? डुप्लीकेट काबा बना रखे हो, लोग वहाँ पे हज करने आ रहे हैं, ये क्या मजाक बना रखा है भाई? कौन सा ये डुप्लीकेट काबा? कौन सा ये डुप्लीकेट काबा नहीं है? कानपुर के आगे मतनपुर में। हाँ तो आप बताओ ना, हमें भी मालूम है। तो वहाँ पे है नहीं भाई वो जिंदा मदार शाह बाबा? तुमको कैसे मालूम हो गया कि वहाँ जो है तवाफ किया जाता है? अरे भैया वहाँ का वीडियो रखा हुआ है मेरे पास, मैं खुद अपनी आंखों से देख के आया हूँ। अच्छा जो अल्लाह करवाता है वो है? हाँ अल्लाह करवाता है जो। अल्लाह क्या करवाता है? हाँ अल्लाह जो करवाता है वो। नहीं क्या अल्लाह करवाता है? वो भी तो देखा होगा, वो नहीं देखा क्या? क्या अल्लाह करवाता है ये तो बताइए। दूसरे का टाइम आखिर के मगरिब के बीच में चूड़िया तवाफ करती हूँ, क्या करती हूँ वो नहीं देखा क्या? हाँ तो वो क्या है? हाँ वो क्या है? चिड़िया को भी तुम पकड़ के हिला लिया का जो वो तवाफ करती हूँ? अरे भाई चिड़िया उड़िया गए मेरे भाई, देखिए वो तो परिंदा है, वो मेरे भाई जहाँ देखेगा पब्लिक जा रही है वहाँ को उड़ने लगेगा। तो मतलब नहीं, आप ये कहना चाहते हैं कि जो मक्के में जो काबा है ठीक है वो उससे ज्यादा जो अफजल है ये आपका ये जो ये मदारी बाबा वाला काबा है वो है? अबे पागल भाई, डुप्लीकेट काबा बना के पहली चीज तो काबे का मॉडल बना के वहाँ पे तवाफ करना हज करना, ये मेरे भाई दीन में इतनी बड़ी मेरे भाई गुमराही है जो आप लोग फैला रहे हो। ऊपर से कहते हो कि ना हम बरेलवी हैं ना हम सुन्नी, हम तो मदारी हैं। ये तुम मदारी हो तो बंदर कहाँ है तुम्हारा? तो हम बता तो रहे हैं, हम ही लोग तो हैं उनके। अच्छा बंदर। तुम लोग बंदर हो, वही तो मैं सोचा इंसान तो ऐसा अकलमंद काम करेगा नहीं, तुम वाकई बंदर हो। अच्छा तो तुमको नहीं मालूम था क्या? नहीं हमें अभी पता चला, हम तो सोचे थे भाई मतलब आप लोग मदारी हो बंदर आपका कोई और होगा, लेकिन आज पता चला कि मदारी कोई और है आप लोग उसके बंदर हो। हाँ तो तुम इसे बंदर की तरह नाचना छोड़ दो, गुलाटी मारना छोड़ दो, दम मदार बेड़ा पार ये सब मेरे भाई सब खत्म करो। ये तो एक अल्लाह से मांगो, एक अल्लाह से। अल्लाह सुभान व तआला फरमाता है इया कनाबू व इया कनस्ताईन, अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं तुझसे ही मदद मांगते हैं। तो ये दम मदार बेड़ा पार इनकी कोई हैसियत नहीं है दीन इस्लाम में। जब भी मांगना हमको अल्लाह से मांगना है, अल्लाह को छोड़ के नबी से नहीं मांग सकते, वली से नहीं मांग सकते, तो ये दम मदार बेड़ा पार कौन आ गए? अच्छा तो ये कौन है तुमको नहीं मालूम क्या? हमें पता है ना कौन है, भाई तो पूछ रहे हैं तुमसे कौन है। इंसान थे भाई वो दुनिया में, उनका इंतकाल हो गया और आप लोग के जाने के बाद उनके नाम से अपने भैया को वो तुम गाली देते रहो। तुम्हारे देखो जितने बरेलवी हैं मदारी हैं दम मदार बाबा के मानने वाले हैं सबके पास काम ही है गाली 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 है। ना तो कुरान है ना हदीस है ना नबी है ना साहबा है। हम क्या करें, मुनाजरा कर लो फिर। किससे मुनाजरा कर लो? असली बात क्या भाई, जाहिल आदमी हो क्या? अभी तुमने खुद कहा कि हम बंदर हैं, बंदरों से ना भाई हम बात करने आएंगे? अरे भैया तो बंदरों के तुम्हारे में इंसान हो अल्लामा हो जिसको मेरे भाई अल्लाह का कलाम आता हो, अल्लाह के नबी का फरमान समझ में आता हो, साहबा के अमल के अतबार से वो काम करता हो तो उससे बात करेंगे ना। जितनी गालियाँ दे रहे हो यूट्यूब पे अभी जाएगी, लोग सुनेंगे कहेंगे देखो कैसे मदारी लोग होते हैं गालियाँ देते हैं। बिल्कुल जब तू मदारे पाक को जब तू खुद उल्टा सीधा कह रहा कौन मदारे पाक ये है? कौन मदारे पाक भैया? ये कब आ गए, कहाँ से आ गए, क्यों आ गए? ये जो है हाँ ये जो है अली से पूछो जाके कब आए थे, अली से पूछिए। हाँ हजरत अली से पूछे जाके कब आए थे? अली से इनका क्या लेना देना? अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से इनका क्या लेना देना भाई? कुरान को मानते हो? अरे अली पे झूठ क्यों बोला? अली रजी अल्लाह तआला अन्हु वो तो हमारे सहाबी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनके लिए जान भी हाजिर है, लेकिन ये दम मदार बेड़ा पार ये जिंदा मदार का बाबा का क्या लेना देना? अरे तेरी पागल इंसान है, हजरत अली को जानते हो, जिन्होंने इल्म दिया मदारे पास उनको नहीं जानते हो? मतलब अली रजी अल्लाह तआला अनु ने जो ये मतलब ये मदार बाबा से हमको इल्म दिया। सुन आओ सुन, तू तो छोटी उनको इल्म दिया। अबे सुन आओ तू सब ये कब पैदा हुए थे मदार बाबा?
अबे भैया तू वाकई में जाहिल है, वाकई में जाहिल तो मुकल्लिद होता है, इसके अहले इल्म का इजमा है। तुम लोग काबे का डुप्लीकेट मॉडल बना के तवाफ करवाते हो, कहते हो यहाँ मन्नतें मुरादें मांगो, चादर का धंधा करते हो, चादर पे चादर फेंकते जाते हो। अगर तू इतनी बात कर रहा है तो छोड़, हम उसको कुरान से साबित कर रहे हैं, आप बता। हाँ चलो साबित करो कि भैया कौन सी आयत में आया है कि ये जिंदा मदाशाह बाबा की काबे पे जाओ और वहाँ पे चक्कर हाँ। लगाओ, कहाँ लिखा है कुरान में? हम कुरान में मदाने पाक का जिक्र दिखाएंगे। हाँ दिखाओ। है तफसीर रुहुल अजीजी पढ़ो, तफसीर रुहुल बयान पढ़ो। कौन सी तफसीर पढ़ा? तफसीर रुहुल अजीजी, तफसीर रुहुल बयान। कौन सी आयत की पढ़े तफसीर? हाँ कुरान नहीं पढ़ी क्या? आयत बताओ ना, कौन सी आयत की तफसीर है? तेरी अब्बा का टना, तेरे वाकई अब्बा ऐसा चना, समझे भाई? ये टना चना ये सब घोड़े वाले चने खाया करो नाश्ते में, ठीक है? तब जाके बंदर से इंसान बनोगे। हमें यार हमें ये लग रहा है ये जिंदा मदाशाह बाबा के मानने वाले मुर्दा हो चुके हैं, अल्लाह ताला ने उनके उनका जो दिल है उस पर भाई वो मोहर लगा दी है। अबे हेलो, हैं हेलो, अरे उसके आगे हिलोगे? हाँ अब बताओ भैया क्या कही दो। भाई जान हम ये कह रहे हैं कि जो ये बाबा हाँ। थे ठीक है, मदारी बाबा जिनका काबे का मॉडल बना हुआ है, लोग आते हैं वहाँ पे तवाफ करते हैं, चक्कर काटते हैं। हाँ तुम ये बताओ अपने असली बाप की औलाद हो कि नहीं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, बाप का पता नहीं, आप जाके अपनी अम्मी से पूछिएगा। असली बाप की औलाद हो? अरे हाँ भाई, कितनी बात है, आप ये सब काफी बातें छोड़िए, आप ये बताइए ये जिंदा मदाशाह बाबा, ये मदारी लोग ये मदारी अपने आप को बोलते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हम ही बंदर हैं, यानी कि जो बंदर है वो भी आप हैं, मदारी भी आप ही हैं, तो ये क्या मामला चल रहा है भाई? ये दिन का मजाक क्यों बना रहे हैं? डंके की चौक पर हम लोग कैसे हैं? क्या कहते हैं? हम लोग मदारी डंके की चौक पर कैसे हैं? अरे तो मदारी हैं तो बंदर आप जाके न चाहिए ना, ये दीन में मेरे भाई तुम्हारे बाप को नचा देंगे, बंदर नहीं नचाएंगे, तुम्हारे बाप को नचा देंगे। देखिए हमारे बाप को डांस वांस करना आता नहीं है, आप एक काम कीजिए, आप लोग खुद नाचिए, बढ़िया बजाइए कव्वाली। तुम लोग का पाला दमदार बेड़ा पार, दमदार बेड़ा पार, वहाँ पे आराम से बंदरों की तरह नाचो जाके, ठीक है? अबे अबे देखिए भाई, देखिए मुसलमानों का जो काबा है वो है मक्का मदीना में, ठीक है? वो सऔदी अरब में काबा है हमारा। जाहिल की औलाद सुन, आप जब मक्का जाएंगे, मक्का में भाई काबा शरीफ है, वहाँ पे आपको हज करना पड़ेगा, वहीं पे आपका उमरा होगा। लेकिन आप हो गए मदारी तो आपके वहाँ तो कानपुर के आगे जाएंगे, मदनपुर हुआ, वहाँ पे दम मदार बाबा के चक्कर लगाओ। कुरान मानते हो ना? मानते हैं ना, बताओ। अरे आओ ना, वहीं रहो, बताओ ना। अरे जब कहीं ना सब साबित कर देंगे कुरान से, जब हम अभी कह रहे हैं कुरान की एक आयत पेश कर दो, तुम्हारी नस्लें साफ हो जाएंगी, दम मदार बेड़ा पार का कोई भी नाम तुम कुरान से साबित ही नहीं कर सकते है? और अगर साबित कर दिया तो? अगर साबित कर दिया तो अकेले नहीं, 100 लोगों को साथ में लेके भाई मैं जिंदा शाह मदार जो ये मदारी है उनका मदारी बंदर बनने के लिए तैयार हूँ। तुम तैयार रहना? अरे रहना नहीं, अभी हैं तैयार, फटाफट बताओ कौन सी। अल्लाह सुबहान व तआला कुरान में फरमाता है सूरह अल बकरा सूरह नंबर 2 आयत 111 में, कुल हाथ बुरानकुम इंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो अपना सबूत पेश करो, दलील दो, एक आयत कुरान की पेश कर दो कि भाई एक बाबा मतलब पैदा होंगे, उनका नाम होगा मदार बाबा, उनके मानने वाले मदारी बन जाना, और जो काबा है काबा का मेरे भाई वो डुप्लीकेट मॉडल बना देना, वहाँ पे हज करने लगना, चक्कर काटने लगना, तवाफ करने लगना। आला हजरत को मानते हैं आप? आला हजरत को मानते हैं। तो आला हजरत ने खुद कहा है क्योंकि भाई कब्र है मजार है उसका, भाई जो इंसान भाई वो गोल गोल चक्कर काटता है वो भाई वो हराम है शरीयतन, कब्रों का तवाफ करना ये हराम है। आला हजरत की मजार पे हम नहीं जाते हैं। तो आला हजरत की मजार है क्या? उनकी तो कब्र है ना, उनकी तो भाई जो कब्र है वो कच्ची कब्र है, एक बालिश ऊंची है। आला हजरत ने मरने से पहले वसीयत की थी कि मेरी जो कब्र है उसको भाई आप लोग पक्का ना करना, एक बालिश उनकी ऊंची कब्र है, वो भी भाई कच्ची है। लेकिन ये दम मदार बेड़ा पार इनका तो पूरा काबे का मॉडल बना रखा है ना आपने। तुम पहले ये बताओ कौन से मसलक से हो? हम अहले सुन्नत अहले हदीस। अहले सुन्नत अहले हदीस। अच्छा तो अभी रुको, तो मैं दो सेकंड रुको, दो सेकंड तो व्हाट्सएप पे अब कुरान से देख लेना, अगर पढ़ना आता हो तो दो सेकंड दो। अरे भाई तुम दो सेकंड में भेजो या दो साल के
भाई बेटू उससे मतलब नहीं है, काबे का ये डुप्लीकेट मॉडल बनाना छोड़ दो, उसको बंद कर दो, इस्लाम को बदनाम करना छोड़ दीजिए मेरे प्यारे भाई। अरे मेरे प्यारे भाई हम भी तो कुछ कह रहे हैं कुरान से, हम भी तो दलील दे रहे हैं। अच्छा ये कुरान की आयत जो आप हमको देंगे क्या वो अल्लाह के नबी के मतलब माज अल्लाह उनके समझ में नहीं आई थी, जो सहाबा थे उनके समझ में नहीं आई थी, जो जो भाई वो ताबाइन थे और ये तबे ताबाइन थे और जो चारों अइमा थे क्या उनके समझ में नहीं आई थी, वो आपके समझ में आ गई? आप थोड़ा अपनी अकल चलाओ मेरे भाई, ये क्या ये कब्र परस्ती दरगाह परस्ती मजार परस्ती से बाहर निकलो, एक अल्लाह को मानो। अबे मेरे भैया मेरी भी बात तो सुन, कुरान को तो झुटलाएगा क्या जो हमारे नबी ने जो हमारे नबी के ऊपर कुरान उतरा उसको झुटलाएगा? तो हम तो उसको मान रहे हैं ना, आप उसका इनकार कर रहे हो। मैं भी तो उसको मानता हूँ, मैं तो उसी से भेज रहा हूँ ना तुझको। तो भैया नबी के अल्लाह के नबी के ऊपर जब नाजिल हुआ था कुरान तो अल्लाह के नबी ने दम मदार बाबा की पेशन गोई क्यों नहीं की थी? अबे जो सुनेगा जो मदारे अबे करके बात करोगे तो वाकई मदारी का बंदर तुमको बना देंगे, इसलिए प्यार से बात कर रहे हैं, प्यार से बात करो। अबे बेटा हम तुम्हें नचा देंगे। नहीं तुम्हारे जो ये मदार बाबा है ना ये भी तुमको बचा नहीं पाएंगे, चाहे जिंदगी भर माफिया पढ़ते रहना, उनके जिंदगी भर जो जो ये नकली काबा है उसके चक्कर काटते रहना, मदार बाबा भी मेरे को बचा नहीं पाएंगे। हाँ तू वहाँ भी नहीं बैठ पाएगा जहाँ बैठा है। भाई ये आपके बाबा हैं वो कौन है भाई? वो हैं उनको आमतौर पे लोग कहते हैं मदार बाबा, जिंदा शाह मदार बाबा। तो जिंदा है तो उनको दफना क्यों दिया है? आओ ना वहीं रहो बेटा। भाई जिंदा है तो दफना क्यों दिया? तेरी सुन मेरी बात सुन, तू इतना बड़ा काबिल है तो तू सामने आ। अरे सामने से तो बोल रहे हैं, पीठ पीछे बोलने की आदत थोड़ी ना तुम्हारे मुंह पे बोल रहे हैं। जिंदा मदार शाह बाबा अगर जिंदा है तो दफनाया क्यों? और दफना दिया तो इसका मतलब उनका इंतकाल हो गया। अबे मेरी बात सुन, सुना ना तेरे जैसे आएंगे अजीब भोसले के, नहीं तो पूरी के खेली बकचोदी कर पाएंगे, सामने कभी नहीं आ पाएंगे तो भोसले के। भाई मैं सामने आ चुका हूँ, जिंदा शाह मजार बाबा का जो काबे का डुप्लीकेट मॉडल है वहाँ जा चुका हूँ, अपनी आंखों से सब देख चुका हूँ पूरा पात। अबे तू कब आया तू? अबे पूरा वीडियो मेरे पास रखा हुआ है, जाहिर मुतला सुन सुन, मैंने अपलोड भी कर दिया है यूट्यूब के ऊपर। तुम लोग जो कव्वाली गाते हो ना, जो हलवा पराठा बेचते हो, चादर बेचते हो, सब मेरे पास पता है। अबे चोर भी तो आते हैं कभी, सामने थोड़ी ना आते चोर, चुप के चोर क्या? अभी खुलेआम आए थे वहाँ पे, देखा कितने लोगों को समझाया कि भाई ऐसा मत कीजिए, ये गुनाह है, ये शिर्क है। क्या शिर्क है? तुम्हारे अप्पा ने कहा था कि तुम्हारे दादा ने? नहीं, अल्लाह सुबहान तआला ने भाई ये फरमाया है कि अल्लाह चाहे तो सब कुछ माफ कर सकता है लेकिन शिर्क कभी नहीं माफ करेगा, यहाँ तक कि अल्लाह के नबी को भी अल्लाह ताला ने तंबीह दे दी। अबे तो कौन सी आयत बताएगा तेरी जाहिल? भाई अल्लाह सुबहान तआला सूरह ज़ुमर सूरह नंबर 39 आयत नंबर 65 में कहता है कि ए नबी अगर आपने भी शिर्क किया तो आपके अमाल जो है वो जाया हो जाएंगे। तो नबी को शिर्क की माफी नहीं है और तुम जाहिले लोग तुम लोग काबे का डुप्लीकेट मॉडल बना के वहाँ पे भाई वो तवाफ करते हो, अल्लाह की जात में सिफात में इबादत में शिर्क करते हो। जाहिल तुझे कुछ तो तमीज नहीं ना, तू कुरान को नहीं मानना तो हम क्या फायदा? भैया कुरान की ना तुमने कोई आयत पेश की, ना कोई तफसीर बताई, ना ये मदारी बाबा का पूरा नाम बताया। अच्छा इनका नाम क्या है? इनका नाम क्या है? पूरा नाम क्या है मदारी बाबा का? मदारुल आलमीन। मदारुल आलमीन नहीं, ये नाम क्या, असली नाम क्या है भाई इसका? ये जो तुम्हारे मतलब ये जो है ये जिंदा शाह मदार बाबा, मदारुल आलमीन। अच्छा ये नाम है इनका असलियत का? हजरत सैयद बदीउद्दीन जिंदा शाह मदार। अच्छा जिंदा शाह मदार। तो ये भाई ये इनका इंतकाल कब हुआ था? इंतकाल अबे इन्होंने तो खुद अपने आप पटरे लगवा लिए थे। क्या करवा लिए थे? कुरान में असूल इन्होंने क्या किया था? अपने ऊपर पटरे लगवा लिए थे। पटरे क्या मतलब? जिंदा में। अबे तू कहा बताओ सुन तू सुन। अच्छा मतलब जीते जी उन्होंने अपने आप को मार लिया, यानी कि उन्होंने आत्महत्या की और आत्महत्या करना इस्लाम में गुनाह है। चलो ठीक है। अबे और सुन मेरी बात, और यहाँ तक तो सुन, आखिरत में भी समझे, आखिरत में भी मदारुल आलमीन जब कयामत अल्लाह चाह रहा होगा तब भी मदारे पाक हम लोग के सामने मौजूद होंगे। कुरान कही दिया जुटलाएगा साले कुत्ते जैसा मुंह होएगा। हवाला में कुरान कह रहे तो भाई कौन सी कुरान के आए थे बताओ ना, ताकि हम भी 100 लोगों को साथ में लेके भाई हम लोग भी बंदर बनने के लिए तैयार हैं। ठीक ठीक ठीक। हाँ तो व्हाट्सएप है तेरा इस नंबर पे? मुंह से बोलो क्या हो गया भैया, आपके मुंह में आपके नारे आ गए?
अगर तेरी पगल है तुझे हम वाकई में जाए, ये कॉपी पेस्ट अलग है, गूगल पे जाके कॉपी पेस्ट कर दो, जबान से बोलो, जबान से क्या चीज, कौन सी गूगल पे जाके कॉपी, तुम जल्दी बताओ ना, हवाला दो ना कि भैया आपको भाई याली आयत में ये भाई ये लिखा हुआ है कि मदार बाबा है। तुम्हारे अब्बा कौन सी आयत पढ़ के मरे थे ये बता दो। हाँ तुम्हारे अब्बा कौन सी आयत पढ़ के मरे थे, तुम हवाला दे सकते हो? मैं मरे नहीं ना, अभी जिंदा है ना अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई। तुम्हारे अब्बा जो है हलाली, देखो ये अम्मा अब्बा इसके बाद में जाना मेरे प्यारे भाई, मेरे कहने का मतलब ये जिंदा क्या मदार बाबा वो जो भी होंगे, अगर उन्होंने नेक काम किए होंगे तो अल्लाह ताला उसको इसका अजर देगा, अगर उन्होंने भाई उल्टे सीधे काम किए होंगे तो अल्लाह उनको अजाब देगा, लेकिन हमको इबादत करनी है सिर्फ अल्लाह सुबहान ताला की। ये मदार बाबा अगर दुनिया में आ गए हैं तो भी कुछ नहीं होना है, और ना आते तो भी कुछ ना होना है, मेन हमको अल्लाह की इबादत करना है। अल्लाह सुबहान ताला ने इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, ना कि ये मदारी बनने के लिए। अबे तो तुम जैसे हमें लोग को अल्लाह की इबादत की जरूरत नहीं ना समझे, फरिश्ते काफी हैं, हमारी सरकार अल्लाह की इबादत से रोकता है, ये वाकई मदारी बंदर है। तौबा तौबा, जाओ बेटा डब्बू बजाओ, जाके डब्बू बजा के नाचो बंदरिया की तरह, कभी फनी नहीं पाएंगे समझे, बंदरिया की तरह नाचो, मदारी होना तुम खाली, तुम जाए लोगों के पास फोन कर लो खाली, बताओ कुछ नहीं भैया, फिर वही चीज, आप हैं मदारी, आप जाके बंदर आराम से बंदर बन के नाचिए, ठीक है, दिमाग ना खाइए, कुरान हदीस आपकी मेरे भाई हलक के नीचे नहीं उतरेगा। अच्छा वो पता चलता तो आओ तो मैदान में पता चले किसको। अरे मैदान में क्या है भैया, तुम्हारे वहाँ मैदान में तो खाली गोल गोल, मतलब वो जो मतलब काटते हैं चक्कर काटे जाते हैं। अरे भाई तुम जहाँ बुला लो वहाँ आ जाए, आओ बताओ तो आ जाओ ना, तुम बुला लो आ जाओ कानपुर, आ जाओ मतनपुरवा, कहाँ कानपुर आ जाओ मतनपुरवा, दम मदार शाह बाबा की जो मतलब जो मजार है वहीं पे आ जाओ। अब तुम वहीं पे तो बोल ही रहे, तुम वहाँ आ पाएगा, तेरी अंदर ताकत है, तो एक काम करो ना, अगर तुम वहीं पे हो तो जो वो काबे का जो मॉडल है जरा फोटो उसकी खींच के भेज देना हमें। तेरी चोर की, अबे तू जाना नेट पे ढूंढना, हमसे काहे मांग रहा है, नेट पे नहीं मिल रहा नहीं, हमें देखना है तुम वाकई मतलब वहाँ पे हो कि नहीं, पता चला हम अपना पैसा कौड़ी खर्चा करके आए और तुम वहाँ से भाग जाओ तो फिर हमें क्या पागल समझ रखे हो, तुम्हारे ऐसे तुम्हारे बंदर है, कभी मेरे पे गुलाटी उधर मारते हैं कभी उधर मारते हैं। अब तुम तो वाली बात कर रहे हो, अच्छा देख के बताओ, आवाम को इंसान जो इंसान है हमको उसको तौहीद की दावत देनी है, सबसे कहना है एक अल्लाह को मानो, एक अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह सुबहानो ताला फरमाता है इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह तेरी इबादत करते हैं तुझसे ही मदद मांगते हैं, तो ये दम मदार बेड़ा पार कहाँ से आ गए बीच में। अच्छा तो तुम अपने अब्बा से सुबह का रास्ता है, तुम अपने अब्बा से पैसा कभी नहीं मांगा का अल्लाह। अरे अब्बा तो जिंदा है ना, मरने के बाद थोड़ी ना मजार बना के पैसा मांग लेंगे अब्बा से। अरे जाहिर तौर पे अगर देखिए अगर तू मांगते वो भी, चलो ठीक है, हम आपको ओपन चैलेंज कर रहे हैं, आपने क्या कहा कि जो हमारे जो बाबा हैं ठीक है वो उन्होंने मतलब भाई वो कब्र के अंदर जाके ऊपर से जो वो क्या होते हैं पटरे उसको रख लिया था ना, जिंदा है ना वो, उनसे बोल दीजिए वो हमसे फेस टू फेस बात करने के लिए बाहर आ जाए। किनसे? अरे अपने बाबा से भाई, वो है ना जिंदा है ना, उनसे कहिए बाहर आए वापस दुनिया। वाकई में बेटा मरोगे तो वाला मुंह होएगा। अरे वाह, मतलब जिंदा भी हैं अपने आप को जिंदा, उन्होंने मेरे भाई जमीन के अंदर डाल दिया था, तो मेरे भाई जिंदा बाहर आ जाए हमसे बात कर ले, उसके बाद वापस अंदर चले जाए। सही सोच रहे हैं, तुम लोग को कोई कभी समझा ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं समझा पाएगा, जब तुम्हारा दीन ही सब तुम्हारा दीन धर्म बनाया हुआ इतना मुश्किल है कि वो इंसान की समझ में नहीं आएगा भाई। अच्छा, हमारा आसमानी दीन है, वो बहुत आसान है, सबकी समझ में आ जाता है। हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं जन्नत तुम बांट रहे हो, जो दीन दीन कर रहे हो। हम क्यों बांटेंगे भाई, हम तो कह रहे हैं कि जन्नत आपको अल्लाह की इबादत करने से मिलेगी, ना कि ये दम मदार बेड़ा पार के नारेबाजी करने से मिलेगी। अच्छा एक अल्लाह को मानिए, मैं आपको तौहीद की भाई मैं आपको दावत दे रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। आखिरत में आप ये ना कहिएगा कि अल्लाह ताला ये अफू खान को तो सब मालूम था, इसने हमको नहीं बताया, मैंने आप तक बता दिया है कि ये दम मदार बेड़ा पार, उनका दीन इस्लाम में कोई अहमियत नहीं है, आप अल्लाह से मांगो। समझ में आया, वो अप्पू बोल रहे यानी कि वो बरेली वाले ग्रुप को देवबंदी अलग ग्रुप से है। बस अल्हम्दुलिल्लाह नामी काफी है, ठीक है, तुम्हारे ऐसे मदारियों को बंदर बनाने के लिए भाई अल्लाह ताला ने आपको भेजा है, ठीक है। अब तेरा तो बाजा पड़ गया, अबे बाजा जाने अब जाओ आराम से बेटा, जाके अपना गाना ना गाओ दम मदार बेड़ा पार। वो तो कभी नहीं छूटेगा, वो तो कभी नहीं छूटेगा। क्यों नहीं छूटेगा, वो कभी नहीं छूटेगा, मरते दम तक क्यों नहीं छूटेगा दम मदार बेड़ा पार।
भैया दम मदार बेड़ा पार में है क्या ऐसा भाई? ये दम मदार बेड़ा पार अगर जिंदा है तो उनको आवाज दे के बुलाओ ना अपनी मदद के लिए, वो आपके नीचे फेस टू फेस बात करें। हम अगर तुम्हारे जैसे कभी समझ ही नहीं पाएंगे। पूरे कुरान मजीद को उठा के देख लो, सूरह फातिहा से लेके सूरह नास तक 114 सूरते, एक भी आयत में ये नहीं आया है कि दम मदार बेड़ा पार एक आदमी आएगा, तुम लोग उससे मांगना, वो जिंदा अपने आप को दफना देगा और वो जिंदा रहेगा। जब तुम उसको मतलब उससे औलाद मांगोगे औलाद दे देगा, छिपा मांगोगे छिपा दे देगा, ऐसा दुनिया में कोई आयत नहीं है। अरे हम साबित करेंगे। तो कब साबित करोगे? मरने के बाद? मरने के बाद तो तुम सामने आओ तो बताओ तो कहाँ रहेगा तुम। ये कौन सा रूल है कि सामने आओ, नहा के आओ, धो के आओ, खा के आओ, पी के आओ, तेल लगाओ, साबुन लगाओ, ये सब क्या मेरे भाई? ये धोखेबाजी है। अगर तू जहाँ था मैं वहाँ जाऊँगा ना, तो एक बात क्यों ना आदमी बता, तू खाली चलो आज यूपी इलाहाबाद फाफा मऊ शांतिपुरम कॉलोनी आ जाओ। यूपी इलाका? यूपी इलाहाबाद शांतिपुरम कॉलोनी फाफा मऊ। अच्छा आ जाओ, वही आके फोन कर लेना और साथ में अपने जो ये मदारी बाबा है उनको भी लेते आना। अब वो तो पूरे कानपुर में है, पूरे पूरे वर्ल्ड में है। पूरे वर्ल्ड में? हाँ। और जानता कोई नहीं उनको है? कौन नहीं जानता? कोई नहीं जानता। बेटा गूगल व्हाट्सएप जरा खोल के देखो तो। गूगल में तो मेरे भाई जो हीरोइनें नंगा नाच कर रही है लोग तो उनको भी जानते हैं, तो क्या आप क्या उनकी हम लोग भाई इबादत स्टार्ट कर दें? तो दम मदार बेड़ा पार तो ये सब काम करना छोड़ दो, नहीं तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा दुनिया, ठीक है? अपने अब्बा को इजड़ा कैसे हो गया फिर घर में? अरे भाई अजीब, मतलब आप लोग के पास अब्बा अम्मा बहना इसके अलावा कुछ है ये नहीं क्या मेरे भाई? वही अबे वही तो हम कह रहे भाई। अच्छा आपके मदार बाबा कैसे नमाज पढ़ते थे कुछ पता है? हम क्या कर रहे हैं किसी वाली? आपके मदार बाबा कैसे नमाज पढ़ते थे मालूम है आपको? तेरी ऐसी कई चीज मेरे तो मेरे साथ पूछते नहीं, लेकिन तू कहाँ से बताएगा? अरे दम मदार बाबा कैसे नमाज पढ़ते थे? किताब उनकी मौजूद है कोई? हाँ बहुत है। कौन सी किताब है, नाम बताओ? ताइका। ताइका है? ताइका ताइका। हाँ पढ़ो जाके बेटा पहले। तो वो कहाँ पैदा हुए थे? तेरी ऐसी की तैसी मारूं, वाकई में तू वाकई में। भैया दम मदार बाबा के तुम मानने वाले हो, बताओ ना अपने मदार बाबा के बारे में, वो कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, उनकी अम्मा का नाम क्या था, पप्पा का नाम क्या था, सब बताओ। अब यार तुम यार बहुत तुम्हें खुद ही नहीं मालूम है मदार बाबा के बारे में, तो तुम लोगों को क्या बता रहे हो? तुमने तो खाली बाज अपना धंधा पानी स्टार्ट कर दिया है। धंधा पानी और क्या बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए अपने खर्चा करते हो आज, इसीलिए अल्लाह का शुक्र है गरीब है अमीर का सावन कभी नहीं पकड़ा। हाँ तो गरीब ही रहोगे जब भैया तुम लोग एक अल्लाह को छोड़ के जो मेरे भाई जो मतलब नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह भी नहीं है उसके पीछे तुम लोग पागल हुए यार हो, तो तुम लोग जिंदगी भर भिखारी रहोगे। बेटा तुम फंस गए। क्या फंस गए? तुम फंस गए, तुमने कहा था अभी कि तुम गरीब रहोगे, हमारे सरकारे तो आलम भी तो गरीब थे, वो कौन सा अमीर? कौन गरीब था? माजअल्लाह उनको गरीब कह रहे हो? उनके पास तो ईमान की दौलत थी, अगर वो चाहते तो अल्लाह खजाने उनको दे देते। तुम्हारे पास कौन सी दौलत है? तुम्हारे पास ना ईमान की दौलत है ना तुम भाई अल्लाह सुबहान तआला से सोने का पहाड़ मांग सकते हो, तुम क्या कर सकते हो? तुम्हारे पास क्या? हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह दौलत है ना, ईमान की दौलत है, पैसों की दौलत है, सारी दौलत है अल्हम्दुलिल्लाह। फातिहा कराते हो? मैं फातिहा कराने से पैसा खर्चा होता है। हाँ तो उपाय की दौलत है फिर। हाँ तो भाई, अरे भाई फालतू खर्ची फिजूल खर्ची काहे के लिए कर रहे हैं? जो फातिहा देना दीन इस्लाम में ही नहीं, तो काहे के लिए फातिहा? तेरी हिजड़े घोंसले के चक्के लग कुछ भाई। भागा भागा भागा, ये देखो दम मदार बेड़ा पार का आज बेड़ा पार हो गया, अभी ये ऑडियो अपलोड होगी, लोग जान जाएंगे कि दम मदार बेड़ा पार जिंदा शाह मदार बाबा के मानने वाले कैसे जाहिल होते हैं, सब बिगाड़ी है, दिन भर की कमाई अपनी काली मजार दरगाह पे उड़ा देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हम तो सारी कमाई बाबा पे उड़ा रहे हैं। यही बाबा आखिरत में कहेगा कि ऐ अल्लाह हमने इनसे नहीं कहा था कि हमारी पूजा पाठ करो। आखिरत में दम मदार बेड़ा पार बाबा भी तुमको नहीं बचा पाएंगे, ठीक है? बड़े बड़े अंबिया अलैहि सलाम अल्लाह के सामने कांप जाएंगे और तुम सोच रहे हो कि दम मदार बेड़ा पार तुमको बचाएंगे आके? यानी कि तुमने भी कुरान को झुठला दिया फिर? अबे कुरान में कहाँ लिखा है दम मदार बेड़ा पार के बारे में भैया? एक आयत तो पढ़ नहीं पाए तुम आधे घंटे से। अबे तो हम तो कह तो रहे हैं भैया भी, हम तो खाली व्हाट्सएप तो अपना ये व्हाट्सएप है। चलो तुम एक काम करो, व्हाट्सएप छोड़ो, तुम पूरी मेरे भैया आराम से तैयारी आराम से कर लो, किसी अच्छे आलिम से बात करा देना, तुम हो जाहिल बंदर। अच्छा ठीक है, कभी हम बात करा रहे, ठीक है रुक जा तू।
ठीक है, बात करो किसी अपने बहुत बड़े अल्लाह रुक रहे क्या लाइन पे रहे या मतलब फोन काट दे? नहीं अभी हम नंबर पहुँचा रहे उसका तुम्हारे उनके पास, तू रुक अभी तेरा भी हम चलो चलो ठीक है रुके हैं कॉन्फ्रेंस पे लो।